हर नहीं ये तरफ बात है। अंधेरा, अंधेरा कायम रहे, हाँ अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे हमेशा। हाँ क्या ही जबरदस्त लेकिन लग रहा है भाई, एक लाइट नहीं है दूर दूर तक यार, खूबसूरत लग रहा है। एक लाइट नहीं दूर दूर तक। क्या ही फंसे हैं। 120 रुपया उसका, अब बज कितना रहा है? 190 सात। से कुछ वाव, रुपये में 270। शहर से 50 किलोमीटर दूर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस अद्भुत अविश्वसनीय द्वितीय व्लॉग में। आज फिर से हम व्लॉग लेके आ गए हैं और आज एक स्पेशल, एक मजेदार, एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह घूमने जाने वाले हैं, जो कि अभी रिवील नहीं करेंगे। व्लॉग में साथ साथ बने रहोगे तो रिवील करेंगे। और हाँ, व्लॉग शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यह है कि इस चैनल पर भी भैया जी को 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, के लगना चाहिए। इसलिए जितना ज्यादा फास्ट एंड फास्ट, जितना ज्यादा तेजी से शेयर कर सकते हो करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। फिलहाल वीडियो में बने रहो, चलते हैं आगे, दिखाते हैं कहाँ घूमने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे और चार दोस्त जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत जगह जा रहे हैं। म्याज टंटना आ जाएगा ऊपर से नीचे तक अगर देखोगे वो जगह, तो मेरे साथ बने रहो। चलो करते हम लोग पहुंच गए यहाँ पे टाटी सिल्वर। हमारे साथ बहुत ही प्रतिभावान ड्राइवर यहाँ मौजूद है, इनके अंदर प्रतिभा भी है और साधन भी है। देखिए वो हमारा जो पीछे आपको दिख रहा है, वो हमारा गाड़ी ऑटो रिक्शा, इसी से हम लोग जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं आपको आगे पता चलेगा, लेकिन ब्लॉग में साथ में जुड़े रहो। जबरदस्त सिनेमेटिक सीन के साथ ब्लॉग चलेगा, क्योंकि देखो यार हमको ज्यादा बोलना नहीं आता ब्लॉग में, ज्यादा नहीं बोलते हम, सिनेमेटिक सीन दिखाते हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं, ऐसे क्या देख रहा है, बस आपको रास्ता का फुल मजा दिखाएंगे, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे रास्ता में है, कैसा रास्ता है, सब कुछ आपको दिखाते चलेंगे रास्ता का, और पूरा आपको पूरा रास्ता का मजा देंगे। और जहाँ जा रहे हैं तो उस वहाँ की खूबसूरती आपको दिखाएंगे। तो ब्लॉग में साथ में बने रहो, बहुत अविश्वस्त ब्लॉग। अरे यह है गेतल सूट का फेमस रास्ता रांची का। दोनों तरफ से बड़ा बड़ा पेड़, हरियाली और एक जबरदस्त पतला सा रोड, यहाँ से गाड़ी आती जाती है। ये रहा वो फेमस रास्ता रांची का, गेतल सूट डैम वाला। गेतल सूट डैम वाला पहुँच चुके हैं, ऑटो से बहुत टाइम लग रहा है, मज़ेदार धीरे धीरे जा रहे हैं। ये दूर कौन बैठा है भाई, ये कौन है, ओए कौन है वो, ये लैटरिन करा लगता है, छोड़ो। इग्नोर इग्नोर क्लेम, स्लैश इग्नोर क्लेम्स।
क्या इसका खूबसूरती है देखो, क्या ही जबरदस्त लग रहा है। चल दिया हमको छोड़ के वहां, क्या ही रास्ता है देख रहे हो। घना जंगल के बीच अभी यहां से आगे चल रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं हम लोग वाटरफॉल, जो कि अब यहां पे बता देते क्योंकि पहुंच गए। ठीक है, तो गेतलसूद डैम ना लगे बता देते, हम लोग जा रहे हैं हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू वाटरफॉल। तो बने रहो आगे ब्लॉग में हमारे साथ और भी बहुत कुछ देखने के लिए। लेकिन सीढ़ी 700 सीढ़ी, 700 सीढ़ी उतरना है अभी, ऐसे ही उतर तो जाएंगे, चढ़ने में जो हालत खराब होने वाला है गाइज, चाहे बताए 700 सीढ़ी उतरेंगे तो फॉल आएगा 750, फिर चढ़ने में जो हालत खराब होगा देख सकते हो। सीढ़ी अद्भुत है, सीढ़ी के आसपास में बिल्कुल लगा हुआ है यहाँ पे दुकान, वैष्णो देवी वाला फीलिंग देता है। आगे जाते जाना है, नीचे देख के ध्यान से चलना होगा, और मुझे लगता है लगभग 600 सीढ़ी और होगा। अभी तो उतरना शुरू किए हैं, चारों तरफ पहाड़ दिख रहा है जबरदस्त ऊंचा ऊंचा, और फर्स्ट टाइम हम यहाँ हैं इस फॉल में। ऐसे और भी फॉल है झारखंड में रांची के पास, बट इस फॉल में पहली बार आए हैं, पहली बार। देखो क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्या होता है आगे, क्या ही सीन आ रहा है जबरदस्त। डैम, ट्रेन, सब कुछ। और सबसे मेन दिक्कत है कि गाड़ी ख़राब हो चुका है, उसको बनवाना है, वो सबसे मेन दिक्कत है, जो कि हमने लौटने पर छोड़ दिए कि देखा जाएगा उस समय, जो किया जाएगा किया जाएगा उस समय। अभी तो फिलहाल एंजॉय करेंगे, उसके बाद आगे देखा जाएगा क्या करना है। ये रहा हम लोग का हुंडरू फॉल, ये रहा हुंडरू फॉल। फाइनली हम लोग आ चुके हैं, ये रहा हमारे पीछे फॉल, यहाँ आना था। इस जगह का नाम है हुंडरू फॉल, और यह 35 फुट की ऊंचाई से गिरता है, और देखो कि क्या ही जबरदस्त लग रहा है, क्या ही यहाँ का सुंदर माहौल है, क्या ही वातावरण है यहाँ का जबरदस्त एकदम। वो मेरे मुंह में पूरा पसीना पसीना आ गया, सात सीढ़ी उतर के आया तो वही पसीना यार, क्या ही बोले, लेकिन देखो क्या जबरदस्त हरा हरा पानी, क्या ही सुंदरता लग रहा है यार। आपको और आगे सीन दिखाएंगे, फिलहाल थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, क्योंकि यार कसम से थक के हालत खराब हो चुका है, क्योंकि सात सीढ़ी उतरे तो बाद में पहले 1.5 किलोमीटर और पैदल चल के यहाँ आ रहे हैं। चलो ये रहा हुंडरू फॉल, पैर कांप रहा है यार, हर तरफ अंधेरा, अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे हमेशा। क्या ही जबरदस्त लेकिन लग रहा है भाई, एक लाइट नहीं है दूर दूर तक यार, एक लाइट नहीं दूर दूर तक, क्या ही फंसे हैं। हेलो भाई लोग, आगे कुछ भी व्लॉग नहीं बन पाया, उसका एक कारण है जो कि मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जब जा रहे थे तब ऑटो जो था वो खराब हो गया था, लगभग 1.5 किलोमीटर पहले, 1.3 किलोमीटर था वहाँ से हुंडरू फॉल, जिस फॉल हम लोग गए थे वो वहाँ पे ऑटो पहले ही ख़राब हो गया था, उसका क्लच प्लेट खराब हो गया था, जल गया था, जिसके वजह से हम लोग
हुंडरू फॉल तो चले गए, 1 किलोमीटर बगल में ही था, गए वहाँ पे एंजॉय किए, 1-2 घंटा रुके, ज़्यादा रुके नहीं, क्योंकि वापस लौटते समय पूरा 20 किलोमीटर जंगल ही पड़ता है, ठीक है। जंगल में कहाँ से क्या मिस्त्री मिलेगा या ना मिले, ठीक है, टूल किट मिले या ना मिले, खुद से करना पड़े या ऑटो ढकेलना पड़े, तो देखना पड़ता ना। तो निकले हम लोग, ठीक है, और ये सारी चीज़ों में, ये सारे टेंशन में, क्योंकि रांची वहाँ से 52 किलोमीटर्स दूर थी, ठीक है, ये सारे टेंशन में वापस लौटे, और मतलब कि कुछ भी दिमाग में नहीं सूझ रहा था, बस किसी तरह से कि घर पहुंचना है, तो वापस से निकले, और ये टेंशन के मारे वहाँ पे कोई वीडियो बना ही नहीं पाए, कोई भी नहीं बना पाया, सभी यही टेंशन में, क्योंकि हम लोग को कोई भी हेल्प नहीं मिला, कोई भी साधन नहीं मिला। वहाँ से हम लोग 3 बजे निकले, 3:30 बजे तक ऊपर पहुँच गए, चढ़े 750 सीढ़ी था, जो कि मैंने आपको व्लॉग में बताया था, वहाँ से ऊपर चढ़ते चढ़ते आगे पहुँचते पहुँचते हम लोग ऑटो लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक ठेले, वो भी खड़ा चढ़ान, एकदम ऐसा खड़ा चढ़ान था, उसमें ऑटो ढकेले, आने समय ढलान था, जो कि आपने वीडियो में देखा था, इसलिए जाने समय चढ़ान पड़ा, ठीक है, और उस चढ़ान में कुछ भी नहीं कर पाए भाई, ठीक है, बिल्कुल थक के चूर हो गए, कोई मदद नहीं मिला, इसी तरह से रात के 9 बजे तक फंसे रहे, तब जाके प्रेस का एक गाड़ी आया, वैन, जो कि रस्सी से बांध के ऑटो को हम लोग को वापस लेके गया, और वैसे पूरे जंगल के बीचों बीच दूर दूर तक ना इधर कोई आदमी ना उधर कोई आदमी, कोई था ही नहीं यार, दूर दूर तक एक कुत्ता भी नहीं था, आदमी तो दूर का बात है, कीड़ा भी नहीं था, खाली जंगल सुनसान, ठीक है, कोई हेल्प मिला नहीं, क्या ही बोले, कुछ बना ही नहीं पाए यार, बस टेंशन में थे कि घर कैसे पहुंचेंगे, तो सोचे कि लास्ट में एंडिंग ऐसा ही कर देंगे, तो ये माफ़ी चाहता हूँ यार, काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बनाने के लिए लौटा हूँ, तो यह पहले व्लॉग में इस तरह की गलती हो गई जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, यह तो किस्मत का कसूर था, जो कि हो गया, मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा था, सिनेमैटिक सीन पूरा भर भर के आपको दिखाया इस वीडियो में, लेकिन अब देखो लौटा हूँ, बहुत थक गया, इतना लंबा लंबा मतलब कि दूर तक ऑटो ठेल के पहुँचाना, उसके बाद फिर घर तक आना, ठीक है, रात में 10:30 बजे तो घर हम लोग लौटे यार, तो क्या ही बोले। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ये थी इस व्लॉग की लास्ट की कहानी, जो कि हम लोग फंसे बीच जंगल में करीबन 5 घंटा, ठीक है, करीबन 5 घंटा हम लोग बीच जंगल में फंसे रहे, तो ये था आज का कहानी, और मिलते रहेंगे, आते रहेंगे नए व्लॉग के साथ, थोड़ा कम ही आ पाएंगे, थोड़ा सा अगर आप रेगुलर देखना चाहते हो, तो फिर से वही दोहराना चाहूँगा कि मोटर भैया जी गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब करो, वहाँ पे आओ मुझसे डेली बात करने के लिए, और अभी के लिए चलते हैं, जय श्री राम।